बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्वेटा न्यूज़ के साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, क्वेटा प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे आज के स्पेशल जो हमारे मेहमान हैं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को उनका तारफ करवा देते हैं। हमारे इलाके की इज्जत है और हमें इन पर फख्र है कि ये क्वेटा से तलब रखते हैं। खावर अली शाह साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट आइसोलेशन वार्ड कोटली में स्पेशल इनकी ड्यूटी है कोरोना वायरस के हवाले से। आज ये तशरीफ़ फरमा है, इनके साथ सीनियर साफ़ी हैं बेटी करम भट्टी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए हैं, और हमारे सीनियर साफ़ी तौकीर खान साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, और हमारे क्वेटा क्लब के दीगर मुकराम जो इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं, और डॉक्टर अमले साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हम बात खावर अली शाह साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट आइसोलेशन वार्ड डिस्ट्रिक्ट कोटली, इनसे हम ये जानना चाहते हैं और अपने नाजरीन को इनके ज़रिए ही बताना चाहते हैं कि स्पेशल तौर पर इनकी जो ड्यूटी है कोरोना वायरस के हवाले से आइसोलेशन वार्ड में, और ये अपना आँखों देखा हमें हाल भी बताएँगे, और जो नई डिवेलपमेंट है, नई जो सूरत हाल ताज़ा सूरत हाल है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से, जो करंटीना सेंटर में जो लोग हैं, आइसोलेशन वार्ड में जो लोग हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, कितने लोग सेहतियाब हुए और कितने जो लोग हैं अभी तक वो एडमिट हैं। जी खावर अली शाह साहब, प्लीज हमें आप ये बताएँ। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब कोटा में शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये मौका दिया कि मैं कुछ जो आजकल की सूरत हाल चल रही है कोरोना के हवाले से, इसमें कुछ बात कर सकूँ। मैं सब कोटली में जो आइसोलेशन वार्ड है कोरोना का, मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो सब जो सूरत हाल है अभी तक जो हमारा कोटली डिस्ट्रिक्ट की, हमारे पास मौजूदा जो 8 मरीज जो है वो इस वक्त दाखिल हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 5 हमारे सरसावा के पेशेंट हैं और 3 पेशेंट जो सरगोधा से अभी की वो उनके रिलेटिव हैं, यानी टोटल 8 मरीज हैं हमारे पास। और इस वक्त तक हम डिस्ट्रिक्ट कोटली में तकरीबन 200 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं जो हमने NIH भेजे हैं, उसमें से तकरीबन लगभग 150 से ज़्यादा हमें रिसीव हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के कोटली में इस वक्त तक जितने भी अभी हमने हालिया दिनों में टेस्ट भेजे हैं वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, और ये जो 8 पेशेंट हमें रखे हुए हैं आइसोलेशन वार्ड में अभी, इनका जो रिजल्ट हमने PCR भेजा है, इसमें से हमें 6 अफराद के जो टेस्ट हैं वो रिसीव हो गए हैं आज जो नेगेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 फ्री टेस्ट हमारा बाकी हैं जो मे भी आज रात या कल दिन में किसी वक्त भी हमें रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग थे इस फैमिली के साथ जिनका ताल्लुक था, जिन्होंने जनाजे में शिरकत की थी या जो इस फैमिली से मिले थे, वो तकरीबन हमने 78 टेस्ट भेजे थे जिसमें से 74 हमें रिसीव हो चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे नेगेटिव। तो बाकी जो 45 मरीजों की जो हमारे पास दाखिल हैं अभी तक तो माशाल्लाह वो स्टेबल हैं, 8 में से 7 जो मरीज हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी नहीं है, जबकि एक जो मरीज हैं जो बाबा जी हैं उनको थोड़े से फीवर हुआ था इनिशियली, थोड़ा बहुत सांस का इशू है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल स्टेबल है। अक्सर ये बताइएगा कि आपके ये आइसोलेशन वार्ड के हवाले से जाहिर बात है एक हसास ड्यूटी है और डॉक्टरों का इस वक्त एक अहम रोल है इस सारे मामले में, तो जो टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, क्योंकि पहले ये बताया जाता है कि वो पॉजिटिव आ गए, फिर NIH से जो टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो इसमें क्या कोई फ़र्क है, कोई लेबॉरेटरी के हवाले से भी कोई इसमें पेशरफ हो रही है कोटली के अंदर टेस्टिंग लेबॉरेटरी या कोई फर्क का मामला, या मजीद कुछ सहूलियात ऐसी दी जा रही है जिसकी वजह से लोग कम्फर्टेबल हों के टेस्ट
इस्लामाबाद भेजने की बजाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास पूरे विश्व में तीन जगहों पे हमारी जो लैब कायम हो चुकी है PCR में, मीरपुर में है, बबलापुर में है और मुजफ्फराबाद में है। कोटली में अभी इस पर वर्क हो रहा है, तो अलग रिसेंट है उस पर वो मशीन के लिए डाली और उसके इंस्टॉलमेंट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। और अगर स्पेशली इसके लिए चाहिए होते हैं आपको जो अपराध इसमें ट्रेंड हो, लाइक पैथोलॉजी आपको चाहिए होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, उनका अरेंजमेंट करना। फिर सिर्फ मशीन नहीं चाहिए, उसके बिल्कुल इंस्टॉलमेंट के लिए आपको सेफ्टी लेवल चाहिए होते हैं। आपने पहले सेफ्टी लेवल बिल्डअप करना है, उसके बाद मशीन इंस्टॉल करनी है, ताकि आप अपना जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, बाकी हॉस्पिटल है, उसको इस जो वायरस है, बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे बचा सकें। इस पर काम तो जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द कोटली में भी जो PCR की मशीन इंस्टॉल हो जाएगी और उस पर फिर टेस्ट हम कोटली के अंदर भी कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक आम आदमी बात करता है, सियासतदान बात करता है, कोई जर्नलिस्ट साथी बात करते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर बात करता है तो उसकी बात पर लोग उसको आम करते हैं। तो आपकी राय में पब्लिक को क्या करना चाहिए, अस्पतालों में किस चीज़ की जरूरत है? जिस तरह के सबसे बड़ा जिला कोटली आज़ाद कश्मीर का, उसमें जितनी स्कीम सब मिली है, उसमें नक्याल हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों में किन किन चीज़ की जरूरत है और आप क्या डिमांड रखते हैं, क्या करते हैं डिमांड कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और पब्लिक को क्या करना चाहिए? अभी पब्लिक को सबसे पहले तो जो इंतजामिया की तरफ से जो जो उनको फस्ती तदाबीर बताई गई है, वक्तन फवक्तन हर रोज भी होता है, सब लोग भी करते हैं, शेयर करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा मैटर है कि फासला रखें। एटलीस्ट अब कम से कम भी 6 फुट का फासला रखें, कहीं पर भी गैदरिंग करते हैं तो 6 फुट का फासला होना चाहिए। दूसरा मास्क लगाएं और अपने हाथ बार बार धोएं, या अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर यूज़ करें। आप कहीं बाजार जाते हैं, वापस घर पहुँच रहे हैं, बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने कपड़े पहने हुए हैं वो गेट पे ही उतार दें, ज़्यादा आपका सेटअप हो वहाँ पे आप उतार के मुँह हाथ धो के फिर नए कपड़े चेंज करके आप अंदर अपने घर में जाएं। इस सबसे जो हम कर सकते हैं वो ये तरीके का है। दूसरा जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, हॉस्पिटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह के इनिशियली हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे कोटली में, हमारे तकरीबन 10 लाख की आबादी का जिला है और हमारे पास कोई वेंटिलेटर्स नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 6 वेंटिलेटर्स हैं जो फंक्शनल हैं और पूरा एक ICU का सेटअप हमारा रन गया है। कोई भी हमें पेशेंट किसी को वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत पड़ती है तो हम विदिन नो टाइम हम उसको डाल सकते हैं, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने अचीव कर ली है। अब बाकी ये है कि असल चीज़ है जो PPE यानी जो फस्ती लिबास हैं, मास्क हैं, स्पेशल N95 मास्क, ये डॉक्टर्स को चाहिए होते हैं जो भी स्पेशली ड्यूटी करते हैं एमरजेंसीज में और जो ये क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हमारे वहाँ पे ड्यूटी करते हैं या आइसोलेशन में, क्योंकि जो बंदा आइसोलेशन में ड्यूटी करेगा और क्वारंटाइन में वो जब एक दफ़ा अंदर जाता है पेशेंट के पास तो वापस आते उसको अपनी पूरी की पूरी किट को डिस्ट्रॉय करनी होती है, उसको बाकायदा एक तरीके से डिस्पोज करना होता है। हमारी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो PPE की है। आपको मिली है वो चीज़ सर? आपको बिल्कुल हमें जैसे कोटली में जो हमारे DHO साहब हैं और MS साहब हैं उनके एफर्ट से और कुछ हमें डोनेशन भी मिली है, गवर्नमेंट से भी मिली है, DMA से भी कुछ हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं और हमें इस वक्त तक अलहमदिल्ला कोई मसला नहीं है। कोटली DHO के अंदर के हमें कोई फंसने की व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात ये कि जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वहाँ पे आइसोलेशन में, वो क्या ऐसी ट्रीटमेंट है जो मरीजों को वहाँ पे देने के लिए जो सब ड्यूटी कर रहे हैं मुख्तलिफ शिफ्ट्स हैं, 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे मॉर्निंग इवनिंग नाइट, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्पोर्टिंग स्टाफ है, आपके स्वीपर्स हैं, वो सारे जो जो बंदा इनकंटेक्ट होता है जिसमें अंदर जाना होता है उसको फुल फस्ती जो लिबास है वो पहन के ही वो अंदर जाता है, जिसमें N95 है, सूट है, बाकी गॉगल्स हैं,
शूट कवर्स हैं, यानी हर चीज़ जो उसमें आती है वो फुल किट की जरूरत पहन के ही अंदर जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के डिस्ट्रिक्ट कोटली भी हमारे साथ हमें अवेलेबल है। वो बाकायदा एक एस ओ पी है जो गवर्नमेंट ने भी बनाई हुई है, हर हॉस्पिटल ने अपनी एक एस ओ पी बनाई हुई है कि इसको यूटिलाइज किस तरह करना है जो पी पी ईज है, क्योंकि हम इतनी बहुत बड़ी वाफर मकदार है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इतनी वाफर मकदार में नहीं है। तो लेकिन अभी तक तो कोई शॉर्टेज हमें इस तरह की फील्ड में भी अरेंज हो चुका है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, जो तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, मोस्ट पेशेंट को 80% प्लस पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कोई बुखार नजला जुकाम या कोई खांसी सांस का मसला कुछ नहीं होता, उनको किसी भी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने की अच्छी तरह, और जिनमें सिम्टम्स होते हैं वो फिर हर एक का अपना क्राइटेरिया है, कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं जैसा आप देखें कोरोना में कोई भी अभी तक ये ट्रीटमेंट नहीं आई पूरी दुनिया में कि ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। हर हॉस्पिटल हर मतलब हर जो इलाका है वो अपने अपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उस बेस पे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखें, अब हम ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है जो इस्तेमाल होती थी वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो इस्तेमाल हो गई है, एक एजोमेक्स ट्रीटमेंट है एजिथ्रोमाइसिन वो इस्तेमाल हो गई है। अब जिस तरह हम काम कर रहे हैं वाले जो डॉक्टर साहबान हैं कि अब जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनका प्लाज्मा लेके दूसरे जो पेशेंट हैं उसको देखते हैं, इस पर भी काम हो रहा है। तो डेफिनेट तो नहीं है लेकिन जितने भी हैं वो स्पोर्टिंग ट्रीटमेंट चाहिए। आप मुतालबा करें हुकूमत से, डॉक्टर की सेहत से, तो क्या मुतालबा करेंगे, किस चीज़ की अभी जड़ जरूरत है? हमें ज़रूरत है इस वक्त एक मुकम्मल आइसोलेशन हॉस्पिटल की, जो रिसर्कोटरी के अंदर हमें चाहिए, जैसा ये सुरतरा बाकी थी सरसावा बाकी जिसमें हमारे पास 8 केस डायरेक्ट आ गए थे, उनके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा थे। अब अगर इनमें कुछ पॉजिटिव आते हैं तो हम उनको अपने हॉस्पिटल के अंदर ही हमें अरेंज कराएंगे, जब हम उन पेशेंट को भी हॉस्पिटल के अंदर अरेंज करेंगे तो हमें जो बाकी जो एमरजेंसी चल रही होती है उनका नहीं आप कभी भी बात नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू चल रही होती है, फीस वार्ड सर्जरी है जो एमरजेंसी में चल रही है, हमें फिर उन पेशेंट को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उन पेशेंट को हॉस्पिटल से हमें एडमिट नहीं करना पड़ेगा अगर हम इन पेशेंट में कोई कहा जाते हैं और हम उनको हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। तो इसके लिए हमें एक आइसोलेशन हॉस्पिटल चाहिए, और जितना जल्दी मुमकिन हो सके गवर्नमेंट की तरफ से अगर आइसोलेशन हॉस्पिटल बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। पूरी दुनिया में देखें इस पर करवाए गए बाकी चीज़ें करवाए गए, लेकिन कोटली में हमें देखने में बिल्कुल नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट कोटली में किसी भी जगह पर कोई सुनाई वगैरह करवाए गए हों, जैसे कुछ हथियार के साथ या कोई इस तरह की कोई एस ओ पी हमने देखी नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब में कि लोगों को आप महफूज करने के लिए बजाय इसके के आइसोलेशन की जगह तो अपनी जगह वहाँ पे आप लोगों के साथ वो पूरी ट्रीटमेंट के साथ और पूरे इक्विपमेंट के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन जो बाकी आम जगह है वहाँ पे अभी तक कुछ स्प्रे नहीं किया गया, ना हमारे मसे की तरफ से ना ही इंतजामी की तरफ से, क्योंकि मैं फंसे जारी बात है इस मामले में, इसकी क्या वजह है? असल चीज़ है कि हम अपने जो इलाके को देखते हैं ना जो कई समय हमारा जो इलाका है जो हमारे गाँव है वो सेपरेट बने हुए हैं, डिस्टेंस पर बने हुए हैं, कुछ गाड़ी पर बने होंगे फिर बीच में थोड़ा यानी ओपन बने हुए हैं, जो कंजेस्टेड है हमारे लाइक जो हमारे टाउन के एरियाज आते हैं जैसे क्रेटा टाउन है कोटली टाउन है, क्रेटा का तो मुझे नहीं पता लेकिन कोटली में बाकायदा 2-3 दफ़ा स्प्रे हुआ है, पूरे शहर में स्प्रे किया गया है, और जो ओपन एरियाज हैं वहाँ पे स्प्रे करने का कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कि एयरबोर्न डिजीज नहीं है, ये ड्रॉपलेट से फैलती है, कोई बंदा खांसी करेगा या खांसी करके मुँह के आगे हाथ रख के उसके हाथ पे जासीन लगते हैं और वो कहीं रखता है कहीं जगह पर रखता है किसी जगह रखता है, दूसरा बंदा उसको टच करेगा तब ही ये होगा, हवा से ये नहीं होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हम जब भी दो अफराद कहीं बैठे हों मिलें या गैदरिंग में जाएँ तो एटलीस्ट 6 फुट का फासला आप रखें, वो 6 फुट से ज्यादा ट्रैवल नहीं करता। अच्छा बात बस ये है आपके बड़ो तो ख्वाब है फ्रंट लाइन के हैं, तो आप सुनने में यहाँ आ रहा है कि आपकी जो किटें जो मास्क दे रहे हैं वो कुछ सही नहीं है, दुनिया में चला दे रहे हैं 2 नंबर के हैं किस तरह के पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बनवा के आपको दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी अगर आप महफूज नहीं तो फिर आप कैसे महफूज रहे हैं?
क्या इसके बाद क्या इसमें कोई ऐसी सूरत आती है कि उस पर आपको शक है या आपके भी शुबात है कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है? इसमें क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी, पेंडेमिक हुआ जो पूरी दुनिया में फैल गया, कोई भी मुल्क इस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं था और पीपीई का कंसेप्ट इससे पहले था ही नहीं किसी भी उसमें, नहीं तब जो इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं वो उसे यूज़ कर रहे थे। अब पीपीई जो है पूरी दुनिया में उसकी शॉर्टेज है, पाकिस्तान में भी शॉर्टेज है, अब कहीं से इम्पोर्ट जो कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ चाइना से आ रहा है, चाइना जो हमें दे रहे हैं उसी से आ रहा है या लोकल सतह पर जो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्क है थोड़ा सा, अच्छा ये बताइए थोड़ा फर्क है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो आपके साथ कितना काम कर रही है और दूसरा हम इसको क्लोज कर रहे हैं और एक ही बात ये भी बता दें कि जब आपकी आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी होती है क्या आपको डर वो महसूस होता है? जज्बा तो है, हमने तो मरीज देखना है, बेशक वो जिस हालत में भी है कुछ भी है, मरीज को हम नहीं छोड़ सकते, तो सबसे बड़ी बात है अगर हमने भी मरीज को छोड़ दिया तो फिर कौन देखेगा? वो मरीज जिसके अपने रिश्तेदार जब उनको पता लगता है कि पॉजिटिव है वो उसको छोड़ जाते हैं, वो किसी और ने नहीं देखना, वो हमने ही देखना है। कोई डर खौफ तो नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लगातार है हम मुसलमान हैं और हमारा एक ईमान है कि जिस दिन मरना है आपने उसे एक सेकेंड व्यू पर नीचे। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के बारे से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी हमारे भरपूर तमाम है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक महकमा जो है वो मखसूस हो गया, वो सिर्फ उसी पे जो ऐसे वो करेगा वो उसी पे मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हर अदारे का, हर महकमे का, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का, महकमा हेल्थ का, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, इन सब की जो आपस में कॉपरेशन है इसी के साथ ही हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं, उस चीज़ के खिलाफ हम जो हद है जो हम कर रहे हैं तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब बात करना चाहते हैं, ये एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जितनी भी डिजीज हैं खासतौर पर भी कोरोना के लिए आप जितने भी लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब शुभकिन से मतलब जितने भी लोग महकमा सेहत के वो काम कर रहे हैं, टीबी के हवाले से भी काम कर रहे हैं, मलेरिया के हवाले से भी काम कर रहे हैं, आया गवर्नमेंट आपको इसके हवाले से कोई रिस्क अलाउंस भी दे रही है या कोई आपके लिए कोई इनिशिएटिव भी दिया गया है या नहीं? अभी जितने भी हमारे महकमा हेल्थ के या जो भी फ्रंट लाइन है, मान लो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, बाकी महकमे हैं, वो फ्रंट लाइन पे हैं, हमें रिस्क अलाउंस को अभी तक नहीं मिल रहा किसी भी हेल्थ इंप्लॉय को, हमें लास्ट जो है वो पे दी है बेसिक पे तमाम हेल्थ इंप्लॉय को, उन्हें एज एजाज में दी है उनके लिए अगर खुदा ना खास्ता किसी की शहादत हो जाती है और उसको 30 से 70 लाख रुपया भी देंगे, 54 साली के लिए भी 60 साल की उम्र तक पूरी तनख्वाह भी देंगे और उनको अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनको लोगों को एडवांस में जो वो गिफ्ट सैलरी भी दी जाएगी। अभी तक अगर कश्मीर में कोई ऐसा काम नहीं किया गया, कोई कश्मीर की हुकूमत नहीं, एक माह की जो सैलरी है वो दी गई है हेल्थ एम्प्लॉय को, एक माह की जो सैलरी है वो एडवांस में दी गई है, यानी कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब फर्दर जिस तरह लाइक फेडरल ने किया है या पंजाब ने किया है, सिंध ने अनाउंसमेंट की है, इस तरह की अनाउंसमेंट अभी तक ये जगह में नहीं हुई, तो होनी चाहिए। उनसे अपील कर देंगे हमारे जितने भी लोग हैं, नहीं सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, जो हमारा स्वीपर है वो भी फ्रंट लाइन पे है, अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। पैरामेडिक्स है, हमारे बाकी जितने शोबे हैं, सीडीसी है, मलेरिया का है, टीबी का है, ये ईपीआई वाले लोग हैं, ये सारे फ्रंट लाइन पे तो पूरा आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है, टाइम पूरा हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम में एक क्वेश्चन जरूर रखते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, बतौर डॉक्टर या बतौर कश्मीरी आपके मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या जज्बात तासरात हैं नौ माह हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन में? बिल्कुल, बीइंग कश्मीरी है तो हम हैं कश्मीरी हैं, हमारे लिए तो जज्बाती वहाँ की अलग है, ठीक है,
क्योंकि हम तो पहले दिन से चाह रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी हो, वहाँ के लोग भी सुख का सांस लें। आप ये देखें 9 माह से वहाँ भी लॉकडाउन है और हमारे पास अभी 1 माह भी नहीं हुआ लॉकडाउन में और हम तंग हो गए। हमें सोचना चाहिए कि उन लोगों की इस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उनकी क्या कंडीशन होगी, उनकी मेंटली क्या कंडीशन होगी जो 9 माह से अपने घरों से नहीं निकल रहे। उनको खुराक, दवाइयों, पानी, हर चीज़ का मसला है। तो इस मसले को हमें भी उजागर करना चाहिए, हमें आर्मी सतह पर भी इस चीज़ को उठाना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने चाहिए इस बारे में कि खुदारा उन लोगों का भी सोचें। तो उनकी जो है ना कौमी आलम से अपील करते हैं कि वहाँ पर जो गैर एलानिया कर्फ्यू है इसको उठाया जाए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे डॉक्टर खावर अली शाह साहब, मेडिकल स्पेशलिटी एसोसिएशन वार्ड कोटली में इनकी स्पेशल ड्यूटी है। आज खुईरेटा प्रेस क्लब में हमारे ये मेहमान बने थे और उनके साथ वेदी करम भट्टी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, सीनियर साफ़ी हैं। तौकीर खान साहब सीनियर साफ़ी, वो भी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किए। डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सब सवालों के जवाब दिए और अपने नाज़रीन को बताया कोरोना वायरस के हवाले से कि इनकी आंखों के सामने क्या कुछ हो रहा है। और हमारी पूरी खुईरेटा की टीम, KPC रेल कश्मीरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे साफी भाई तौकीर साहब, आस न्यूज़ के मजर नाजी साहब, सरेरा के डॉक्टर अफसर साहब, किंग न्यूज़ के जनाब नसार अजम राजा साहब, शोकत साहब, गुलाम मोहम्मद जलाल साहब और स्पेशली हमारे भाई डॉक्टर अमजद साहब जो खुईरेटा हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी है, हम इन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इनके भी बड़े अच्छे जज्बात हैं। डॉक्टर जुबैर साहब के हवाले से उनकी भी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आज हमारे आप खुईरेटा प्रेस क्लब में आए और हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो देखने वाले फादर्स हैं, उनको आपने अपना पैगाम पहुँचाया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।